डियर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है, काफ़ी लोगों ने मुझे इसकी रिक्वेस्ट की थी और बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पे आप ज़रूर लेक्चर शेयर करें। तो मैं इसको शायद पहले प्रायोरिटी पे ले आता, लेकिन जो मेरे ऑलरेडी जो लेक्चर जो हैं वो सब रिकॉर्डेड थे, तो इसलिए मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को बता दिया था और प्रोफेशनल्स को कि जी ये भी मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन ये अपने टाइम पे आएगा। अच्छा जी, आज का जो ये टॉपिक है, मैं एक दफ़ा फिर सबसे शेयर कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं पीपी ग्रेड फॉर टैलेंट मैनेजमेंट। मैं आज का टॉपिक जो है वो आपसे रिवाइज कर देता हूँ, पीपी ग्रेड फॉर टैलेंट मैनेजमेंट। अच्छा, अब अक्सर लोग पूछेंगे कि सर ये पीपी ग्रेड क्या होता है। तो पीपी ग्रेड इज एन एब्रीवेशन ऑफ पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस, यानी इस टैलेंट मैनेजमेंट के लिए हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं, वन इज कॉल्ड पोटेंशियल एंड द अदर वन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। वो लोग जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ कंपनियों में काम कर रही हैं, वो इसको शायद एक और नाम मैं आपसे शेयर कर दूं, उससे भी जानते होंगे, इसको अक्सर कहा जाता है 9 boxes, कि ये 9 boxes होते हैं, जो अक्सर लोग इसको पीपी ग्रेड के नाम से नहीं जानते। तो अगर मैं ये कहूं कि आज का लेक्चर जो है वो 9 boxes पे भी है, तो इट्स अ सेम थिंग। अच्छा, मैं 2006 एंड 7 में सबसे पहले मैंने इस पीपी ग्रिड पे काम किया था, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज था और वहाँ के लिए मैंने एचआर का मैनुअल डिफाइन किया और वहाँ के जो ओनर थे वो माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड थे और उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि मोहसिन मैं चाहता हूँ कि, अब आप अंदाज़ा लगा ले 2006-2007 में कि जब पाकिस्तान में शायद इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने कहा मोहसिन मुझे पीपी ग्रिड पे काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर तो लूँगा, लेकिन क्या जब हम काम कर लेंगे तो क्या आप पीपी ग्रिड को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर लेंगे? उसकी मैं वजह आपको लेक्चर में आगे बताऊंगा। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा यस। और मैं आज आपको बता दूं कि जब मैंने ये पीपी ग्रेड बनाया, इसकी प्रेजेंटेशन कंपनी में दी और इसको जब हमने इम्प्लीमेंट किया, इसके जब रिजल्ट हमारे पास आ गए, हमारे पास से मुराद एचआर डिपार्टमेंट के पास, तो उस जो कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि लेट मी फाइनलाइज माई डिसीजन। और इस बात को ऑलमोस्ट 1 to 2 years लगे कि क्या मैं इस पोटेंशियल परफॉर्मेंस को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करूं या ना करूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि क्या है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं पोटेंशियल के हवाले से, तो इसमें क्या किया जाता है कि पूरी कंपनी का कैथारसिस किया जाता है। मैं बड़े इजी लफ्जों में लेमैन के लिए भी और आम लोगों को समझ आ जाए कि जिसमें हम कहते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग करते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको हम फ्यूचर में एज ए लीडर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने कंपनी में जो है देखना चाहते हैं, और इसके लिए पूरी एक्टिविटी होती है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके पास आऊं, एक स्लाइड आपको मेरी वीडियो में नजर आएगी जो आपको ये सारी चीजें बना देगी और बता देगी, लेकिन मेरे पास पेपर है, मैं आपको समझाने के लिए ये आपसे शेयर करता हूं। याद रखें कि इस पे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो उस पे हम एक्स एक्सिस पे परफॉर्मेंस को लेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पे परफॉर्मेंस को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम जो है वो पोटेंशियल को लेंगे। ठीक है, अब आप अंडरस्टैंड कर गए कि एक्स एक्सिस पे परफॉर्मेंस, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल। अच्छा, अब आपने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 3 points बना लेने हैं, जिसको मैं कहूंगा कि पहला बॉक्स जिसमें परफॉर्मेंस लो होगी, सेकंड बॉक्स
जिसमें परफॉर्मेंस मीडियम होगी, और थर्ड बॉक्स जिसमें परफॉर्मेंस हाई होगी, यानी परफॉर्मेंस या एक्स एक्सिस पे फर्स्ट लो, देन मीडियम, और फिर जो है वो हाई होगा। इसी तरह जब मैं पोटेंशियल पे आऊंगा वाई एक्सिस पे, तो सबसे पहले एक बॉक्स होगा लो पोटेंशियल, फिर होगा मीडियम पोटेंशियल, और सबसे ऊपर होगा हाई पोटेंशियल। अब आप देखें कि अगर हम 1, 2, 3 इधर बनाते हैं और 1, 2, 3 इधर बनाते हैं, और इसको अगर हम ये लाइन को ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस से 1, 2 और ये 3, और इसी तरह वाई एक्सिस से 1, 2 और ये 3, तो कितने बॉक्स बन गए टोटल? बिल्कुल सही कहा आपने, 9 बॉक्सेस बन गए। अब हर बॉक्स को हम डिफाइन करेंगे और वो एक्सप्लेनेशन बताएंगे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमें कोई पॉलिसी नहीं है टैलेंटमेंट की, टैलेंट मैनेजमेंट की, हमें ज्यादातर जो है वो इंडिया से या जो फॉरेन लोग हैं वही बताते हैं, किसी ने आज तक हमें पाकिस्तान में किसी भी YouTube पे इसको अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया। तो आप घबराएं नहीं, मेरे तमाम स्टूडेंट्स इसको इजीली कर सकते हैं, और बहुत जल्द मैं एक कोर्स भी इस पे इम्प्लीमेंट करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि जो लोग करना चाहते हैं वो ये कोर्स भी कर लें। जब हम पोटेंशियल और परफॉर्मेंस पे, मैंने आपको बताया कि आप बॉक्सेस बना लेंगे, तो जो पहला बॉक्स आता है वो कहलाता है बॉक्स 1, और उसमें देखेंगे कि पहले हमने रखा था लो, तो जब हमारी परफॉर्मेंस भी लो है, पोटेंशियल भी लो है, ये दोनों चीजें हो, तो अब वो जो इम्प्लाइज में फॉल करते हैं उनका हम क्या कहें? तो याद रखें कि ऐसे इम्प्लाइज जो हैं वो ज्यादातर कंपनी जो है उनको रेड में रखती है। अब रेड क्या होता है? रेड का मतलब है कि कंपनी ऐसे लोगों को अपना अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि वो काम को जारी रखें, वो ये चाहते हैं कि हम इनसे रेड ऑफ हो जाएं, यानी इनकी परफॉर्मेंस भी लो है और इनमें पोटेंशियल भी नहीं है। अच्छा, एक पॉलिसी है जो मैंने अपने ड्यूरिंग माय जॉब जो है मैंने ये फॉलो की थी, दैट इज कॉल्ड 30-60-90। अब ये 30-60-90 क्या है? ऐसे लोग जो आपकी कंपनी में लो परफॉर्मेंस या लो पोटेंशियल में आते हैं, आप उनको टाइम फैक्टर देते हैं 30-60-90, 30 डेज के बाद, 60 डेज के बाद और 90 डेज के बाद आप उनके साथ बैठते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन मैनेजर, और उन्हें बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, और अगर कोई आपको हेल्प चाहिए लाइन मैनेजर से या आपको एचआर डिपार्टमेंट से, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, आई एम श्योर कि ये बॉक्स 1 क्लियर हो गया। अब मैं पहले जो है एक्स एक्सिस पे मूव करूंगा, और ऐसे मूव करूंगा 1, 2, 3, फिर ऊपर आया 4, 5, 6, फिर ऊपर आया 7, 8, 9। तो ये सीक्वेंस है जो मैं ये बॉक्सेस को डिफाइन करता हुआ जाऊंगा। तो पहला मैंने क्या कर दिया कि जो 30-60-90 या एग्जिट और रेड इंप्लाइज आते हैं, इनको मैंने रेड इंप्लाइज का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं कि अगर परफॉर्मेंस आपकी मीडियम है और पोटेंशियल आपका लो है, तो ऐसे इंप्लाई को क्या नाम दिया जाए? तो याद रखें, ऐसे इंप्लाईज को मैं जो नाम अपनी कंपनी में देता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये लोग डूअर्स हैं। डूअर्स का मतलब आप समझते हैं कि जैसे आप कह लें कि आप इनको जो काम देंगे वो ये करके दे देंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस मीडियोकर्स वाली है, जबकि इनमें पोटेंशियल इतना नहीं है।
मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपका डिपार्टमेंट है और आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप फाइनेंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप एचआर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो एचआर में एक पोजीशन होती है असिस्टेंट एचआर या एचआर असिस्टेंट, तो जहां पे आप उसे ये है कि जो चीज बता देंगे तो वो क्या करेगा कि एफर्ट के साथ वो काम पूरा करेगा, अपने टाइम फैक्टर पे करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैंने माइंड का इस्तेमाल करना है। और अगर वो एक ही कंपनी में ज्यादा अरसा रहता है तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है कि जी मुझसे यही एक्सपेक्ट है ना कि 2 + 2 = 4, तो ये ले मैंने कर दिया, तो इसमें मुझे क्या इशू है। लेकिन ऐसे लोग क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो मीडियोकर होती है, यानी हम उसको एक्सेप्टेबल कह सकते हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल नहीं होता, माइंडसेट नहीं होता आगे बढ़ने का, और ये तो ऐसे लोगों को हम जो है फिर यही कहते हैं कि ये लोग डूअर्स हैं। और याद रखें कि हर कंपनी में ये 9 type of employees मस्ट है। क्यों? देयर इज अ सेइंग, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। अगर हम सारे ही लीडर रख लेंगे तो क्या कंपनी में बाकी काम कौन करेगा? इसी तरह अगर हम सारे ही डूअर्स रख लेंगे तो फिर लीड कौन करेगा? तो हर एचआर प्रोफेशनल को ये टैलेंट मैनेजमेंट अपनी कंपनी में करना और आना चाहिए। अच्छा जी, तीसरे बॉक्स पे अब मैं आ रहा हूं एक्स एक्सिस पे। पहले है हाई परफॉर्मेंस लो पोटेंशियल। अब इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है लेकिन उसका पोटेंशियल लो है, ठीक है। और ये भी ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके डिपार्टमेंट में जो भी आप उन्हें काम देंगे उन्हें उन्होंने कहना है यस सर हम करके देंगे। उन्हें ये नहीं इंटरेस्ट होता कि ये काम क्यों हो रहा है या इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वो मोटिवेटेड हैं और अपने एफर्ट से वो ये काम अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन उनमें पोटेंशियल नहीं होगा। तो आपने ऐसे लोगों को भी यूज करना है। और ऐसे इंप्लाइज को मैं नाम देता हूं ट्रस्टेड इंप्लाइज। जिस तरह खैर मुझे ये एग्जांपल यहां देनी तो नहीं चाहिए कि कुछ पोजीशंस किसी एक डिपार्टमेंट में ऐसी होती हैं कि वो लोग कहते हैं कि जी चाहे कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए ना आए, तरक्की हो या ना हो, हमें तो सिर्फ हर साल इन्फ्लेशन मिल जाए और हम उसमें खुश हैं। अगर एक इंडिविजुअल आज 25,000 ले रहा है तो जैसे ही उसकी मिनिमम वेज 32,000 होती है तो वो खुश हो जाता है, मिठाइयां तकसीम करता है। हालांकि लोग उसे कहते हैं कि यार तुम्हारी 25,000 थी, गवर्नमेंट ने 32,000 कर दी है। वो कहता है सर मैं इस पे खुश हूं। और जो मैंने कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐसी पोजीशन है जिसके लिए लोग चाहते हैं कि वो पोजीशन हमेशा उनके पास रहे और वो तरक्की ना करे, क्योंकि वो पूरे एरिया का इंचार्ज होता है और वो जो चाहे वो कर सकता है। मैं नाम नहीं लेता, आपने मैसेज में मुझे वो पोजीशन बतानी है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट लाइन में फोर्थ बॉक्स पे आ रहा हूं। तो फोर बॉक्स में जब हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस लो हो जाती है और पोटेंशियल आपका जो है वो मिड लेवल पे हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो अंडर परफॉर्मर हैं। जब हम बात करते हैं ना अंडर परफॉर्मर की, उसमें कई रीजंस हो सकती हैं कि देखें अब हम ये कह रहे हैं कि बंदे में पोटेंशियल है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अब ये देखना है कि ये परफॉर्मेंस इशू है या ट्रेनिंग इशू है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, परफॉर्मेंस इशू या ट्रेनिंग इशू। एक अच्छा आदमी है, जब आपने उसका पोटेंशियल देख लिया उसमें बहुत है लेकिन उसमें जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप चेक करेंगे शायद ये नया तो नहीं आया, हो सकता है इस पे अभी हमने इतना काम ही नहीं किया, लेकिन हमें नजर आता है कि अगर ये इसको मौका मिले तो ये आगे काम करेगा। और सच इम्प्लाइज जो है मैं अपने सिस्टम में या अपने परफॉर्मेंस में उनको
अंडर परफॉर्मर कहता हूँ, और ऐसे लोगों पे लाइन मैनेजर को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट को और खुद इम्प्लाई को ये समझना चाहिए कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन शायद मेरे में अभी वो कैपेबिलिटी स्किल्स नहीं आई जो मैं सीख के इसको बेहतर कर सकूं। ठीक है जी, ओके। फोर बॉक्सेस मैंने बता दिए। फिफ्थ बॉक्स ये आता है मिड परफॉर्मेंस एंड मिड पोटेंशियल। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, यानी अच्छी से मुराद मीडियम है, और इनका पोटेंशियल भी मीडियम है। तो ये इम्प्लाइज अक्सर कहलाते हैं कोर इम्प्लाइज, कि ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट इम्प्लाइज हैं कि जिनकी मदद से कोई भी कंपनी जो है बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है। क्यों? उनका जो मीडियम पोटेंशियल है और मीडियम परफॉर्मर है, तो इनका बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना चाहिए। सिक्स बॉक्स आ जाता है हाई परफॉर्मेंस और मीडियम पोटेंशियल। इसमें यह है कि ये वो लोग होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और उनका पोटेंशियल जो है वो मीडियम लेवल पे होता है। यानी अगर इन लोगों को फीडबैक दी जाए या इनको गाइड किया जाए तो ये लोग फ्यूचर में अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। इसीलिए मैं अपने एचआर सिस्टम में इनको इनिशियल लीडर कहता हूं। यानी हम जज कर लेते हैं, एक बंदा हमारे पास आया और हमने देखा कि यार इसमें पोटेंशियल तो है लेकिन इसकी जो है आप कह लें कि परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो क्यों ना हम इसको डेवलप करें और इसको एक आने वाले वक्तों में लीडर बना दें। ऐसे लोगों को हम ऐसे लोगों को हम कैरियर पाथ ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कि आप में पोटेंशियल भी है, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो आप देख लें इन तीन एरियाज में से किसको सिलेक्ट करते हैं, हम आपको डेवलप कर देते हैं और इसका 3 ईयर का प्लान बना देते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। अच्छा जी, इसके बाद आता है बॉक्स 7। बॉक्स 7 क्या कहता है कि लो परफॉर्मेंस एंड हाई पोटेंशियल। अगेन आपने देखा कि ये बंदा क्या दे रहा है, लो परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन उसका पोटेंशियल हाई है। अब इससे क्या समझ आती है, हो सकता है ये कंपनी में नया इंडिविजुअल आया है, अभी उसने थोड़ा काम परफॉर्म किया है, या बाज दफा ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें पोटेंशियल तो होता है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो परफॉर्म करके दिखाएं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसी असाइनमेंट्स दे सकते हैं कि जहां पे उनमें पोटेंशियल भी है और आप उन्हें कहते हैं कि भाई ये आपको काम दिया जा रहा है, आप इसे परफॉर्म करके दिखाएं। और क्योंकि जब वो परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस को अपनी फीडबैक से, अपनी नॉलेज से बेहतर करता है, तो पोटेंशियल ऑलरेडी है। और इन लोगों को जो मैं कहता हूं वो यही कहता हूं कि ये भी बड़े अच्छे लोग होते हैं जिनको हम फ्यूचर लीडर के लिए डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं बॉक्स 8 पे आता हूं जिसमें के परफॉर्मेंस भी मीडियम और पोटेंशियल जो है हाई होता है। इन लोगों को मैं नाम देता हूं फ्यूचर लीडर्स का, और ये लोग जो है थ्रू द हेल्प ऑफ जॉब एनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट, एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को एक ही वक्त में रन कर सकते हैं। और जो सबसे 9th और लास्ट बॉक्स है, दैट इज हाई परफॉर्मेंस और हाई पोटेंशियल। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी में आप उनको लीडर कर सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट को इनकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इनको अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी टू टेल यू कि ये लोग बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से फ्लाई हो जाएंगे और किसी और अच्छी कंपनी में जहां इनको कैपेबिलिटीज के मुताबिक परफॉर्मेंस शो करने का मौका मिलेगा तो ये परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, एक अभी मुझे मैसेज आया है कि ये लोग स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ये परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को हम कैसे जज करते हैं। तो आप सबको पता है कि परफॉर्मेंस के लिए हम लाइन मैनेजर, एचआर के थ्रू और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के थ्रू उनसे फीडबैक लेते हैं।
और ज्यादातर आजकल कंपनीज में केपीआईस काम कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम ले लेते हैं, और बाज जगह पे एमबीओज हैं, एमबीओज को ले लेते हैं। तो ये चीजें तो परफॉर्मेंस को जब जज करने के लिए यूज होती हैं। अब आपने कहा जी पोटेंशियल कैसे पता लगेगा कि किसी भी इम्प्लॉई में पोटेंशियल है भी या नहीं है, तो आप सबको पता है कि आजकल असेसमेंट सेंटर्स यूज होते हैं कि जहां पे मैनेजमेंट ट्रेनीज या नए लोगों को भेजा जाता है, और असेसमेंट सेंटर्स की परफॉर्मेंस में हम बताते हैं कि इनका पोटेंशियल क्या है। मैं एक पुरानी फिल्म का रेफरेंस आपको देता हूं, किसी ने मैन इन ब्लैक फिल्म देखी है? मैन इन ब्लैक फिल्म में मैं दो सीन आपसे शेयर करता हूं। एक जगह बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है, कुर्सियां दी जाती हैं कि आप लिखें, तो वो साहब ऐसे पकड़ते हैं पेपर और ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा, वाहिद एक कैंडिडेट होता है जो टेबल को खींचता है, और जब वो टेबल खींचता है तो स्क्रैचेस आती हैं और वॉइस आती है, और सब लोग ऐसे हैरान होकर देखते हैं कि हु इज दिस स्टूपिड पर्सन। लेकिन दैट इज के टैलेंट इज हाई। इसी तरह आपने देखा होगा मैन इन ब्लैक में, से ही आपको एग्जाम्पल देता हूं कि वो एक सीन होता है कि जिसमें आपने जब पिक्चर देखते हैं तो आपने फायर करना होता है। तो मैन इन ब्लैक का जो हीरो है, जब वो एक लड़की को देखता है तो उस पर फायर नहीं करता, बल्कि जब एक मॉन्स्टर को देखता है तो उस पर फायर नहीं करता, जैसे ही वो लड़की को देखता है तो उस पर फायर करता है। जबकि बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो मॉन्स्टर पे फायर करते हैं। तो उससे जब अकेले में पूछा जाता है तो वो बताता है, खैर ये आप वो फिल्म जरूर देखें तो आपको पता लगेगा कि कैसे असेसमेंट सेंटर में वो टैलेंट को जज करते हैं। और फिर उस फिल्म की एक और अच्छी चीज बताऊं कि वो सबके सामने एक लाइट है जिसको वो क्लिक करते हैं तो लोग सारा वो भूल जाते हैं। तो मैन इन ब्लैक इसके पार्ट्स हैं 1, 2, 3 नहीं, सिंपल मैन इन ब्लैक जरूर देखें, लेक्चर को लिंक करें तो आपको टैलेंट का पता लगेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि अक्सर लोगों को रोल प्लेस दिए जाते हैं, उसके अलावा आपको बिहेवियरल इंटरव्यू करते हैं, उसके अलावा केस स्टडीज दी जाती हैं, उसके अलावा आपकी कॉम्पिटेंसीज को चेक किया जाता है और उसकी बेस पे पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है। तो ये पीपी ग्रिड था जो मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पे बड़ा डिटेल में दिया है। आई एम श्योर ये लेक्चर 15 मिनट या उससे ज्यादा का होगा, लेकिन आप सबके लिए बड़ा हेल्पफुल है। स्टिल अगर लोगों को समझ ना आए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। जजाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।